there's another article from Financial Express, Banks and Borrowers Governance. अब होता क्या है जी, हमारे जो banks हैं, हमारी financial sector में एक problem है, that is NPA, non-performing assets. अब वो होता तब है जब banks dirty lending करते हैं. डर्टी लैंडिंग का मतलब है जब आप एक ही बड़े प्लेयर को कम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर इतना पैसा दे देते हो और उसके बाद में उसका बिजनेस फेल हो जाता है, फिर वो पूरे का पूरा एसेट जो आपने दिया था ये सोच के कि वो स्टैंडर्ड एसेट बना रहेगा, वो बन जाता है आपका लॉस्ट एसेट, वी कॉल इट एनपीए. दूसरा सिनेरियो ये भी है बैंकों के लिए बहुत बड़े नुकसान का, जब आपको यही नहीं पता चलता जिसको पैसा दे रहे हैं, यानी कि आप लेंडर हो पर जो बोरो करने आया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका कोई क्रेडिट रेटिंग हो आपके पास, उसका कोई अप्रूवल मैकेनिज्म हो कि हाँ वो बंदा पैसा लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता, थिंग्स लाइक दैट. तो इन्होंने वही कहा है इस आर्टिकल के अंदर, कीपिंग टैब्स ऑन अ बोरोअर्स गवर्नेंस वुड हेल्प द बैंक गॉज द नीड फॉर टाइमली एक्शन टू मैनेज रिकवरी बेटर. कितनी बाकमाल लाइन उन्होंने लिखी है, बोरोअर्स के गवर्नेंस के ऊपर अगर बैंक एक क्लोज टैब रखेगा तब जाके बैंक जो है टाइमली एक्शन ले सकता है अगर वो अपनी रिकवरी बेटर करना चाहते हैं तो. और ऊपर जो उन्होंने पिंक में लाइन लिखी हुई है, वट एवर दैट इज डिलीजेंस ड्यू, यही मेन चीज है. लेट्स सी, देयर आर लेयर्स ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर बैंक्स. बीइंग अ कंपनी, a bank complies with the basic corporate governance norms prescribed under the company laws. Being a listed company, stock market ke andar, it complies with advanced governance norms required under the securities laws. It often voluntarily adopts additional oblique higher norms arising from peer pressure and best practices. Karna hi padta hai. कट थ्रॉट कंपटीशन है और अगर इस कट थ्रॉट कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो जिनके स्टैंडर्ड्स अगर गिरेंगे नहीं सर्वाइव कर पाओगे. इट्स एज ऑब्वियस. इट मे फॉर एग्जांपल अडॉप्ट एनएससी प्राइम व्हिच प्रिस्क्राइब्स हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनीज देन दोज रिक्वायर्ड बाय लॉज. कानून वाले तो करने ही करने हैं और उसके बिना जो लोग आपके लिस्टेड होते हैं कहते हैं कई बैंकिंग कंपनीज एनएससी के द्वारा दिए गए जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी अडॉप्ट करते हैं. सो फ्रॉम ए गवर्नेंस पर्सपेक्टिव अगर देखें, अ बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम अ रियल सेक्टर कंपनी. द लैटर, दैट इज द रियल सेक्टर, कैरीज ऑन बिजनेस प्राइमरली विद फंड्स सोर्स्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, या तो डेट के जरिए या इक्विटी के जरिए, या तो स्टॉक मार्केट से या फिर किसी से इन्वेस्टमेंट. Investors have some control over its management and are entitled to market-related returns. The former, that is a bank, carries on business primarily with the funds sourced from customers through deposits. The customers do not have any say in its management but are entitled to get back the full amount of deposits along with interest as per agreed terms. जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिपॉजिट इंटरेस्ट तो मिलता ही है, कम मिलता है आपके जो लैंडिंग से पर मिलता तो है. फर्दर, द ऑपरेशंस ऑफ अ बैंक हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट सिस्टमिक इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. अ लिस्टेड बैंक इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू फर्दर गवर्नेंस नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने आपके सो कॉल्ड वीक बैंक्स के लिए अनाउंस किए होते हैं. सो एडहेरेंस टू द अफोरसेड गवर्नेंस नॉर्म्स दाउ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इज नॉट सफिशियंट फॉर अ बैंक. करने तो पड़ते ही पड़ते हैं पर कहते ये भी काफी नहीं है. रियल सेक्टर कंपनी विच सोर्सेज रिसोर्सेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स हैज फुल कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज सो सोर्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन. जबकि बैंक सोर्सेज रिसोर्सेज फ्रॉम कस्टमर्स बट लूजेस कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज सो सोर्स्ड एज सून एज इट प्लेसेस द सेम थ्रू लोन्स एट द डिस्पोजल एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोरोअर्स. इट्स एबिलिटी टू रिटर्न डिपॉजिट्स टू कस्टमर्स डिपेंड्स ऑन द बोरोअर्स एबिलिटी टू डिप्लॉय द लोन एफिशियंटली इन द बिजनेस एंड विलिंगनेस टू यूज द सरप्लस जनरेटेड टू रीपे द लोन.
बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बैंक भी अपने काम तभी कर पाएगा या बाकी कस्टमर्स को डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट तभी दे पाएगा जब पहले बोरोवर्स आपके लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट प्रीमियम चुकाते रहे हर क्वार्टरली। अगर वो देंगे तभी तो बैंकिंग सिस्टम चलेगा। आगे लिखा भी है, इट्स हेल्थ इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू दैट ऑफ बोरोवर्स व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन देयर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। A bank must therefore worry about the governance practices of the borrowers while deciding to sanction a loan until the loan is fully repaid. So while processing a loan proposal, a bank usually does a background check and due diligence on the promoters and key managerial personnel of the borrower company. It also considers company disclosures, audit report qualifications, and market reports from gatekeepers like credit rating agencies and proxy advisory services. मतलब अपनी तरफ से वो पता करते हैं कि whether I should give the money or not. These provide a fair idea about the conduct and performance of the borrower at the time of sanction of the loan. At the time of the sanction of loan, उस समय. A bank, however, needs to explicitly consider the governance practices जिनमें उनके ESG norms कैसे हैं of the borrower as required by law and even beyond as well to have a clear understanding of the likelihood of slippage in terms of conduct and performance of the borrower during the currency of the loan and consequently default. यानी कि वो तब भी और उसके बाद भी check जो है banks को करना रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अ बैंक मे कंसिडर इफ द बोरोवर हैज अ सस्टेनेबल बिजनेस दैट विल कंटिन्यू टू जनरेट सरप्लस एट लीस्ट टिल द लोन इज फुली रीपेड। द बिजनेस मस्ट नॉट लूज स्टीम ईदर बिकॉज इट इज इन द डिक्लाइन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल और इट फेल्स टू विदस्टैंड द ऑनस्लॉट ऑफ कंपटीशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट प्लेस। और अगर ऐसा कुछ बिजनेस का होने वाला है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि बैंक शुड नॉट लेंड टू देम। And for this purpose, the bank may ask questions such as if the borrower lives too much in the present, which may jeopardize its future and vice versa. Does it have a comprehensive risk management program? Does it have resilience and adaptation to tide over unforeseen contingencies? Or does it have visionary leadership to deal with unknown unknowns and so on? अगर ये सारे सवालों के जवाब वो बोरोवर दे पाता है और वो भी इफेक्टिव तरीके से, देन ओनली बैंक्स कैन कंसीडर गिविंग देम द मनी। वेल, बैंक्स हैव एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट रेमेडीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगेंस्ट द बोरोवर एंड ऑब्लिक और इट्स प्रॉपर्टी, जैसे कि देयर रिलायंस ऑन कोलैटरल एंड पर्सनल गारंटीज एंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर represented by business potential and management capability to recover the loan has not been very inspiring in the past, limited kehte hame kehna chahiye at best to the liquidation value of the assets available with the borrower. Jitna paisa kehte borrower ne liya hota hai aur jitne ke collateral rakhe hote hain, jab baat recovery ki aati hai to us paise ka sirf aadha hi recover ho pata hai, itna ho nahi pata. तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखे बैंकों का रिकवर करवाने को लेके तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। सो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑप्शन दैट वी हैव नाउ आईबीसी, यू नो दैट बैंक्स आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन वेयर बाय द कंपनी सर्वाइव्स व्हाइल दे रियलाइज ऑन एवरेज 175% ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू टुवर्ड्स देयर ड्यूज जो उनको चुकाने हैं। So the possibility of resolution and consequently realizations is higher if the borrower is resolvable. So it is resolvable if the borrower has value and such value is free from encumbrances, is visible to a discerning eye and is easily realizable by any resolution applicant. मतलब उसकी जो कंपनी है, उसका जो एसेट है, वो बगौड़े वाले नेचर का नहीं होना चाहिए खुद पे। वही वो बार बार कह रहे हैं, ऐसा संभव तब है अगर बोरोवर खुद रिजॉल्वेबल है, वरना तो अगर वो आईबीसी के प्रोसेस के अंदर जाना ही नहीं चाहता तो कैसे संभव है। और एक लाइन उन्होंने लिखी है, इफ द बोरोवर इज रिजॉल्वेबल देन ओनली द मनी इज रियलाइजेबल, इफ द बोरोवर इज नॉट रिजॉल्वेबल द मनी कैन नॉट कम, विच मीन्स देयर इज नो रियलाइजेबल विदाउट रिजॉल्वेबल। तो ये थोड़ा पेचीदा सी चीज है। For example, it would be difficult to get resolution plans where the borrower company has factory on the promoter's premises.
A bank may therefore consider while advancing a loan if the borrower and its business is resolvable should a need arise. तो वो पहले पता होना चाहिए कि हाँ अगर कभी ऐसी unprecedented situation कभी आ जाती है तो भैया तो resolvable होना चाहिए तब जाके हम तुझे loan देंगे. So after a loan is sanctioned, after all the due diligence that we're going to talk about, the bank needs to keep a tab on the slippage of governance. For example, it needs to have a mechanism to detect and prevent loss of value which may compromise the recovery of a loan. Value is siphoned off, thodi thodi jo hai wo khisakti rehti hai, slip hoti rehti hai, transferred or lost through irregular transactions, jinme preferential transactions, undervalued transactions, extortionate transactions and fraudulent transactions agar hui hain to obvious si baat hai ki wo jo asset hai uski value dheere 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 jaati chali jayegi. So in a landmark judgment in the matter of Anuj Jain versus Axis Bank Limited, the apex court upheld the recovery of 758 acres of land valued over 5300 crores which was lost through irregular transactions. तो एक डेटा है हमारे पास दिसंबर 2022 तक आते आते 847 एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड टू क्लॉ बैक 2.8 ट्रिलियन रुपीस एलिजिबली लॉस्ट थ्रू इररेगुलर ट्रांजैक्शंस बाय कंपनीज अंडरगोइंग इनसॉल्वेंसी प्रोसेस. तो यही वो कहना चाह रहे हैं, इररेगुलर ट्रांजैक्शंस, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए उन एसेट्स को रिकवर करवाने के लिए. Well, if this value was not alienated, many of them probably would not have got into the insolvency process in the first place. Aisa hota hi na. So, a bank often has guarantees from promoters and security interest to secure the loan. The promoters may transfer assets or the borrower may transfer the secured assets clandestinely, making the guarantee and security infructuous in this case. Matlab hidden. One of the reasons for huge haircuts for creditors in some insolvency proceedings is the negligible value of the secured assets with regard to the loan amount. जो पहले तो promoters आपके ध्यान नहीं देते, क्योंकि bank जो loan देते हैं वो किसी borrower को देख के नहीं देते, वो promoter को देख के देते हैं कि इस borrower के पीछे कौन है. उनको एक भरोसा हो जाता है कि हाँ ये promoter अगर इस borrower के पीछे है तो हमने loan sanction करना है इस promoter को देख के. और बैंक ये बताना चाह रहा है कि इंसॉल्वेंसी के दौरान जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग किसी कंपनी की शुरू होती है, ऐसे में जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है उस कंपनी के अंदर, उनको कम पैसा रिकवर क्यों होता है, एक कारण ये भी है कि लोन सैंक्शन करते समय उस समय उन्होंने बोरोवर्स का ज्यादा ध्यान नहीं दिया था. जब वो बैंक से लोन सैंक्शन करवा रहे थे और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के दौरान जब उनको पैसा लौटाने की बारी आती है तो हेयर कट ज्यादा मिलते हैं, सिंबॉलिक टर्म है, बाल नहीं काटते, जो उनका पैसा रिकवरी है क्वालिफाइड इन्वेस्टर होने के नाते उन्हें कट के मिलता है. क्यों कट के मिलता है? क्योंकि उन्होंने लाइन लिख दी नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स विद रिगार्ड टू द लोन अमाउंट, कि जो एसेट्स आपके बोरोवर्स ने प्रॉमिस किए हैं या प्रमोटर्स ने प्रॉमिस किए हैं उनकी वैल्यू उतनी आती नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम. A bank needs to keep track of loss of value through irregular transactions, depletion of value of secured assets, and transfer of assets by promoters to ensure that the loan remains backed by assets. और ये तभी संभव है अगर बैंक आपका borrower governance के standards को follow करता है तो. Last में वही बात, a tab on governance of borrowers would alert the bank to take timely remedial action to manage recovery better. Well, it would incentivize the borrower as well to have healthy governance practices, which is a positive sum gain for the credit market. क्योंकि अगर credit market में बहुत ज़्यादा defaults आपके होंगे और अगर banking industry जो है वो fail होती है, तो जैसे उन्होंने एक line लिखी है कि एक bank के fail होने में बहुत बड़ी एक negative externality आ जाती है हमारे financial instability के रूप में. And of course we do not want any such kind of negative externality. जैसे हाल ही में अभी अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश हुआ है, उसकी बात हमने यहाँ पे भी की थी. इंडिया लकीली सेव्ड बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है.
और हमने अलग से एक प्रोविजन भी बना रखा है आरबीआई के द्वारा, यू नो दैट वी कॉल इट डीसिब्स, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। उनका मतलब भी यही है कि वी हैव यूज्ड एन एफोरिज्म फॉर देम एज वेल, टू बिग टू फेल, एंड दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट, कि अगर बैंक्स के लिए हमें गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना है तो वी डेफिनेटली नीड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स फॉर बैंक्स।